गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स होप यू ऑल आर फाइन टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मेजर लैंड फॉर्म्स सो लैंड फॉर्म्स एक्चुअली में होते क्या हैं लैंडफॉर्म्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड ऑन द अर्थ इसका अर्थ है कि धरती जो है वो एक जैसी नहीं है सो मेजर लैंड फॉर्म्स इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस लैंड फॉम्स explanation of mountains plateau plains deserts island and rivers so different landforms in india through map students you can understand the brown part of the map shows mountains the green part are plains and deserts are in light yellow color and plateaus are in orange color and dark green color shows

सेवेंटी वन परसेंट जो अर्थ है वो हमारी वाटर से कवर्ड है और ट्वेंटी नाइन परसेंट अर्थ जो है वो हमारी लैंड से कवर्ड है द सरफेस ऑफ अर्थ इज अन ईवन इट मीन्स जो अर्थ है वो अनइवन है वो एक जैसी नहीं है इक्वल नहीं है देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के लैंड फॉर्म्स हैं द माउंटेन स्ट प्लेटफॉर्म इज माउंटेन सो माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म दैट अराइज थाउजेंड ऑफ मीटर अबव द लैंड सरफेस माउंटेन धरती की सतह से हजारों मील दूर होते हैं ये कठोर और पथरीले होते हैं सॉलिड रॉकी ऑफ माउंटेन आर कॉल्ड पीक्स पहाड़ों की चोटी को हम पीक के नाम से भी जानते हैं अ लॉन्ग चेन ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड माउंटेन रेंज पहाड़ जो है वो एक नहीं होता है उसके साथ बहुत सारे लॉन्ग रेंज होती है मतलब लॉन्ग चेन होती है

माउंटेन mountain. माउंटेन से बहुत सी नदियां ओरिजिनेट मतलब उत्पन्न होती हैं या बहती हैं दिस वाटर सोर्स इज यूज फॉर इरिगेशन एंड डोमेस्टिक यूज और ये नदियों का पानी खेतों की सिंचाई और घरेलू काम के लिए यूज़ किया जाता है द माउंटेन्स एक्ट एज वेरियर अगेंस्ट द हॉट एंड कोल्ड विन जो माउंटेन है वो हमारे ठंडी और गर्म हवाओं को रोकने में मदद करते हैं द माउंटेनियस रॉक्स आर यूज एज अ बिल्डिंग मेटीरियल और जो ये पहाड़ के पत्थर हैं वो बिल्डिंग्स बनाने के माउंटेनियस रॉक जो है वो बिल्डिंग्स बनाने के काम आते हैं दे आर होम टू मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स पहाड़ों में कई तरह के प्लांट्स होते हैं और कई प्रकार के जानवर माउंटेन्स में रहते हैं सो नेक्स्ट लैंडफॉम इज प्लेट्यूज अ प्लेट्यू इज अ फ्लैट एरिया ऑफ लैंड दैट इज एलिवेटेड अबब सी लेवल प्लेट्यू जो होते हैं वह फ्लैट होते हैं फ्लैट एरियाज होते हैं ये पहाड़ के ऊंचाई वाले एरियाज हैं जो समुद्र के लेवल से ऊपर हैं एलिटेड मतलब ऊंचाई पहाड़ के ऊंचाई वाले एरियाज इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड प्लेट्यूज को हम टेबल लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये टेबल की तरह फ्लैट होते हैं स्लाइड्स ऑफ प्लेट्यू आर स्टीप एंड द सरफेस ऑफ ऑफन कट बाय रिवर एंड स्ट्रीम्स प्लेट्यू आर स्टीप स्टीप मतलब ढलानदार प्लेट्यू ढलानदार होते हैं और बहुत से झरने और नदियाँ यहाँ से बहती हैं सो सम प्लेट्यूज आर तिबन प्लेट्यू एंड प्लेट्यू एंड डेकन प्लेट्यू सो तिब्बतन प्लेट्यू इट इज द हाइएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड और इसको हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं फीचर्स ऑफ द प्लेट्यूज सो लो प्लेट्यूज आर गुड फॉर फार्मिंग इसका मतलब है जो लो थोड़े नीचे एरियाज में जो प्लेट्यूज होते हैं वो फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छे होते हैं हाई प्लेट्यूज आर गुड फॉर लाइफ स्टॉक एंड ग्रेजिंग और थोड़े से हाई प्लेट्यूज में जो एरियाज़ हैं वो पशुपालन के लिए सबसे अच्छे एरियाज़ माने जाते हैं क्योंकि यहाँ पर इन एरियाज़ को ग्रास लैंड के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत घास ग्रास होती है जहाँ पर जो एनिमल्स हैं जानवर हैं बहुत आराम से ग्रेजिंग कर सकते हैं वेरी हाई प्लेट्यू आर बैरन लाइक डेजर्ट इट मीन जो हाई प्लेट्यूज हैं बहुत हाइट पर हैं वो बैरन होते हैं मतलब बंजर होते हैं डेजर्ट्स की तरह दे आर नॉट यूजफुल टू अस प्ले दिस इज द पिक्चर ऑफ प्लेन एरियाज सो प्लेन्स प्लेन ऑल्सो कॉल द लो लैंड इसको हम लो लैंड भी कहते हैं क्यों कहते हैं बिकॉज यहाँ पर ना कोई हिली एरिया होता है ना ही माउंटेन्स होते हैं ये बिल्कुल प्लेन होते हैं फॉर एग्जाम्पल पंजाब दिल्ली हरियाणा सो फ्लैट एंड लो लाइंग एरियाज विच आर थिकली पॉपुलेटेड इट मीन्स कि यहाँ पर जो लोग हैं बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं दिस लैंड इज फर्टाइल एंड बेस्ट सुटेड फॉर कल्टिवेशन और ये लैंड जो है बहुत उपजाऊ है एग्रीकल्चर के लिए कल्टिवेशन के लिए मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म बाय रिवर्स और बहुत से जो प्लेन एरियाज हैं वो रिवर्स से ओरिजिनेट हुए हैं जैसे इंडो गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा फीचर्स ऑफ द प्लेन्स द सॉयल इज फर्टाइल एंड द लैंड इज एग्रीकल्चरली वेरी प्रोडक्टिव इट मींस जो यहाँ की सॉइल है बहुत उपजाऊ है फर्टाइल है गुड फॉर एग्रीकल्चर गुड फॉर फार्मिंग गुड फॉर कल्टिवेशन एंड लैंड ऑफ दिस एरिया इज़ वेरी प्रोडक्टिव पीपल सेटल इन द प्लेन रीजन्स और बहुत से लोग यहाँ पर इन एरियाज में रहना पसंद करते हैं सेटल होना पसंद करते हैं क्यों वाई पीपल सेटल इन दीज प्लेन एरियाज़ बिकॉज सिटीज़ एंड टाउन्स आर मेजर इंडस्ट्रीज़ आर एस्टेबलिश इन दिस रीजन तो यहाँ पर बहुत से टाउन्स हैं सिटीज़ हैं और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं जिसके कारण लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है एंड ऑल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन दिस एरिया यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल रहती हैं जैसे ट्रांसपोर्ट रेलवे मेट्रो एक्सेट्रा thank you student so enough for today lecture so uh, we will discuss our next landforms in next video have a nice day thank you